अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल वेज पास्ता की एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसे हेल्दी कैसे बनाते हैं जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इंडियन स्टाइल वेज पास्ता बनाने के लिए एक बड़े से वेजल में 3 से 4 लीटर पानी ले लें, हाई फ्लेम पे रख दें और इसमें उबाल आने देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 4 टीस्पून भर के नमक डाल देते हैं। नमक के साथ साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के तेल डाल देते हैं। तेल डालने से पास्ता एक दूसरे को नहीं चिपकेंगे। तो हम यूज करने वाले हैं डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑयल है, वेट कम करने में आपको काम आएगा, अरोमा बहुत अच्छा होता है और आपके डिशेस को काफी फ्लेवर देगा। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कॉन्टिनेंटल डिशेस जैसे पास्ता पिज्जा में आप इसे यूज कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए भी काम आता है। पानी में थोड़ा सा डाल दें, करीब 2 टेबलस्पून, मिक्स कर दें, हाई फ्लेम पे रख दें, इसमें उबाल आने देते हैं यानी पानी को बॉईल होने दें। और इस रेसिपी के लिए हम डिसानो पास्ता यूज करेंगे। ये 100% वीट का बना होता है यानी गेहूं का मैदा बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। देख लें, वीट सेमोलिना पास्ता। इसलिए ये पास्ता बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। वेजिटेबल्स के साथ आप बनाइए, बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे और हेल्दी भी हो जाएगा। और इसमें प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी नहीं ऐड होते हैं, ना ही आर्टिफिशियल कलर्स और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर। पानी हमारा अच्छे से बॉइल हो रहा है, इसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो पास्ता डाल दें, मिक्स कर दें एक या दो बार। फ्लेम को हाई पे रख दें और पास्ता को इसमें बॉईल होने देते हैं। इसे कितनी देर के लिए बॉईल करना है यानी टाइम ड्यूरेशन आपको पैकेट के ऊपर मिल जाएगा, वहां पर लिखा हुआ होता है, उसी हिसाब से आप इसे बॉईल करें। बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना करें वरना ये टूट जाएंगे। पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, मुझे बस एक 10 मिनट ही लगे। फ्लेम बंद कर दें और ये पानी ड्रेन कर दें। देख ले, पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। नेक्स्ट एक बड़ी सी कढ़ाई या पैन ले लें और इसमें डालिए डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। 3 से 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं या 5 टेबलस्पून, आपकी मर्जी। तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालिए बारीक कटा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, हल्का सा सौटे कर लें। बड़े साइज की प्याज डाल दें, इसे भी अच्छे से बारीक काट के यानी चॉप करके डालिए, इसे सौटे कर लें। हरी मिर्च डाल दें 1 बारीक कटी हुई, ये भी सौटे कर लें। टोमेटो प्योरी डाल दें 150 ग्राम, ये ना हो तो 3 से 4 बड़े साइज के टमाटर पीस के भी आप डाल सकते हैं, इसे भी अच्छे से पका लें। इसमें हम अब थोड़े से ड्राई मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या आधा टीस्पून, आपकी मर्जी है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून ऑरिगैनो, हल्दी आधा टीस्पून, मिक्स कर लें। थोड़ा सा नमक डाल दें, अच्छे से मिक्स करिए। नेक्स्ट हम इसमें सभी वेजिटेबल्स डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आलू। एक बड़े साइज के आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। इसे आप चाहें तो 1 से 2 मिनट के लिए उबाल के भी डाल सकते हैं। एक बड़े साइज का कैप्सिकम। वेजिटेबल्स आपको जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हैं और क्वांटिटीज भी आपकी मर्जी के हिसाब से ही डाल सकते हैं। स्वीट कॉर्न डाल दें 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच आप डाल सकते हैं। कैरेट यानी गाजर, एक बड़े साइज के गाजर को छोटे पीसेस में कट करके डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें इसे। थोड़ा सा पानी डाल दें, ज्यादा नहीं, एक आधा कप डाल दें।
ताकि इसमें वेजिटेबल्स पक जाएं, लेकिन वेजिटेबल्स इसमें जो है ज्यादा नहीं पकने चाहिए, इसीलिए हम पानी बहुत कम डालेंगे। और ये बहुत छोटे साइज में भी हैं, जल्दी गल जाते हैं। इस तरह से पानी डालने से इसमें ग्रेवी भी फॉर्म हो जाती है और पास्ता डालने के बाद पास्ता इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा पका लें, नमक डाल दें। पास्ता बॉईल करते वक्त हमने डाला था, इसीलिए देख के डालिए, बस इतना काफी है। इसमें पास्ता डाल दें, बॉईल किया हुआ पास्ता। धीरे से मिक्स करते जाइए। गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी पास्ता हमारा तैयार है। थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ इसे गार्निश कर लें, मिक्स कर दें और फ्लेम बंद कर दें। है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, मजेदार और हेल्दी रेसिपी। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, घर में सभी को पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की हेल्दी वेज पास्ता की रेसिपी कैसी लगी, जो कि इंडियन स्टाइल है। लाइक ज़रूर करें वीडियो पसंद आए तो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम।